हाय दोस्तों, मेरा नाम है निखिल जैन और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुछ तो करिए। आज हम बात करने वाले हैं माउस के बारे में। ये अगर आपको याद हो तो मैंने एक कीबोर्ड एंड माउस का अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके देख सकते हैं। तभी मैंने ये बताया था कि ये माउस मेरा पहले वाला माउस है, अभी मैं दूसरा माउस यूज कर रहा हूँ, बट ये मैंने मेरी बहन को दिया था तो अभी वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर चल नहीं पा रहा था। मैंने बोला देखते क्या है, तो मैंने इसको ओपन किया एंड रिपेयर किया। आपको भी बताऊंगा, अगर आपका भी सेम इश्यू आ रहा है तो आप मेरा ट्रिक आजमा सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट भी करके बताइएगा। मैं मेरा कंप्यूटर की तरफ भी लेके चलूंगा, यूज करने के लिए दिखाऊंगा। बट अगर मेरे चैनल पे नया आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हम माउस यहाँ पे लेके आ गए हैं। मैं आपको पहले मॉडल नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे मॉडल नंबर आपके माउस के मेंशन होगा, देखिए M187 मेरा मॉडल नंबर है, लॉजिटेक का है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ़ है और इसमें बैटरी भी है। तो अभी हमें इसे रिपेयर करने के लिए पहले तो मैं लिड आपको हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्रश रखा है, एक कपड़ा रखा है और कुछ टूल किट है। तो ये टूल किट मैं ओपन करके रख लेता हूँ, इसको खोलने में काम आएगी। तो पहले बैटरी निकाल लेते हैं। बैटरी एकदम नई है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो बैटरी काफ़ी अच्छी है। और ये है पावर सप्लाई यूएसबी केबल, जैसे आप देख सकते हैं कि इस पर भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ख़राब हो गया है। इसको भी मैंने थोड़ा साफ़ करने का कोशिश किया है, ये तो और ख़राब था, बट ये प्रॉपर है क्योंकि जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ तो आवाज़ आती है। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे, ये देखिए जंग पकड़ लिया, थोड़ा रस्ट आ गया इसमें। और यहाँ पे ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको, ये स्क्रू, तो ये स्क्रू बेसिकली इसलिए है कि आप इसको यहाँ से खोलेंगे, बट ये खोलने के पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए बस हमें एक इक्विपमेंट चाहिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैं इसको जस्ट स्लाइटली पुश कर रहा हूँ और ये प्रॉपरली पहले नीचे से हम निकाल लेते हैं इसको। इसको मैं पुश करता हूँ, देखिए आवाज़ आएगी, मतलब आप समझ जाइए कि ये प्रॉपरली ओपन अप हो रहा है। और आप तब भी ट्राई कीजिएगा जब आपके पास एक स्पेयर में माउस हो और आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसको रिपेयर करके ट्राई करते हैं। पहले ये कपड़ा लीजिए, ये जो रिंग होती है, जो स्क्रोलर है, उसको बेसिकली एक बार ऐसे साफ़ करने का कोशिश कीजिए क्योंकि इस पर स्टिक हो जाता है। वैसे नहीं भी करेंगे चलेगा, बट अभी आपने ओपन किया तो एक बार साफ़ कर सकते हैं। ये लेफ्ट एंड राइट का बटन है, आप देख सकते हैं, तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया है, ये साफ़ हो गया है। थोड़ा आप देख रहे हैं यहाँ सब डस्ट लगा हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक बार ओपन किया था तभी साफ़ कर दिया था। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो एक ब्रश लीजिए पहली बात, तो उसको स्लाइटली साफ़ करने का कोशिश कीजिए। अगर ये डस्ट ज़्यादा है तो आप एक ऐसा ये जो चश्मे के साथ आता है वो कपड़ा लेके इसको वाइप कर सकते हैं। कोई भी गीला कपड़ा या फिर कोई भी वेट चीज़ें इस पर लगाइएगा नहीं तो ख़राब और रिपेयर होने के बदले ख़राब हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्क्रू है हम इसे खोलेंगे अभी। तो मैं स्क्रू खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर ले लेता हूँ पहले, तो स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, अभी मैं इसको स्क्रू को खोल देता हूँ। मैग्नेटिक है इसलिए स्क्रू, और ये हो गया। अब मैं वापस ये टूल लूँगा। अगर आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है सपोज़, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप क्रेडिट कार्ड या ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये स्लाइटली ओपन कर दिया है, तो ये इस पर भी मोस्टली डस्ट कैच हो रही होगी, तो मैंने एक बार साफ़ कर दिया इसलिए इतनी डस्ट नहीं है। तो मैं नॉर्मली आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे साफ़ करना है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ सिर्फ डस्ट की वजह से ख़राब होती है, तो आपको जस्ट क्लीन करना है या वापस खोल के बंद करने पर वो प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं। मेरा चालू तो हो गया था, बट मैं आपको ओपन करके जस्ट गाइडेंस देने के लिए बता रहा हूँ कि इसको ओपन कैसे किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक लॉक है, तो इस लॉक को अगर आप खोल देंगे, दो साइड था, एक साइड वाला मेरे ख्याल से मेरा टूट गया है, तो अगर आप ये खोल देंगे तो ये आप निकाल सकते हैं इजीली, और एकदम प्यार से निकालिएगा। ये निकल गया है, ये यहाँ पे पहले आपको मैं बता दूँ, ये जो बटन है, तो ये बटन भी मैं साइड में रख देता हूँ ताकि कहीं गिर नहीं जाए, तो ये साइड में रख दिया है मैंने सब चीज़ें। अब मेन चलते हैं अपने पार्ट की तरफ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रस्ट पकड़ा हुआ था वो बैटरी एरिया था। तो
तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि ऐसे ही मैं साफ़ कर लूँ, तो मैंने इसलिए इसको खोल दिया और एकदम प्यार से इसको साफ़ कर रहा हूँ। तो थोड़ी बहुत जो भी डस्ट या रस्ट लगी है वो निकल जाएगी और ये मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और चिप पे भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत डस्ट लगी हुई है, तो एकदम प्यार से कीजिएगा, पानी मत लगने दीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको डस्ट लग रही है वहाँ धीरे धीरे ऐसे ब्रश घुमा दीजिए और पीछे भी हल्का सा ही ब्रश कीजिएगा। और ब्रश एकदम साफ़ रहना चाहिए, ज़्यादा गंदा नहीं रहना चाहिए। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट साफ़ करने के लिए यूज़ करता हूँ, ये जो डस्ट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट साफ़ करने की वजह से ही आई है। और ये वो बटन है ऑन ऑफ का, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देख सकते हैं अभी ऑफ पे है ये, तो जब भी हम बंद करेंगे तभी देखना है कि ये ऑफ पे रहे और वहाँ पे भी वो ऑफ पे रहे। और ये एक्चुअली मेरे ख्याल से रीसेट बटन है, जिसको दबाते ही ये रीसेट हो जाएगा। तो अभी ये मैंने साफ़ तो कर लिया, आप वापस बंद कर देते हैं, बट उसके पहले हम इसका बैक साइड भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं, इसको प्रॉपरली क्लीन। मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया, मैंने आपको जैसे बताया था, तो अभी ये क्लीन हो चुका है। ये मैं पहले देख लेता हूँ रेड साइड और ग्रीन साइड, आप देख सकते हैं ये पज़ल की तरह है, इसको बस प्रॉपरली प्लेस करना है हमें। देखिए प्लेस हो गया है, और पहले इस पर भी लिखा गया है, अगर आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँ तो कुछ चीज़, ये तो ऑन ऑफ नहीं लिखा है, मुझे लगा इस पर ऑन ऑफ लिखा है, बट इस पर ऑन ऑफ नहीं लिखा है। तो इसको बस प्लेस कर देते प्रॉपरली, ये प्रेस हो गया है प्रॉपरली। और इसको पहले पकड़ के रखिए और देखिए कि वो ऑफ पे है, क्योंकि लिए हमारा ये पार्ट भी ऑफ पे था। तो इसको अभी प्रॉपरली फिट कर देते हैं। तो पहले स्प्रिंग को डालेंगे हम, ये स्प्रिंग को डाला, यहाँ पे भी स्प्रिंग को प्लेस कर दिया, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये लॉक कर देंगे हम, ये लॉक हो गया है। आपको थोड़ी सी स्लाइट आवाज़ आती है, इसका मतलब लॉक हो चुका है और ये प्रॉपरली हुआ है। अभी हमें सिर्फ ये लिड बंद करना है। लिड बंद करते टाइम याद रखिए कि प्रेशर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एकदम हल्का सा ही लगना चाहिए। और एक टेक्निक रखिए, ये स्लाइडली पुश करके हमने किया है, तो ये प्रॉपरली हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आपका स्प्रिंग प्रॉपरली दिख रहा है, तो ये प्रॉपरली क्लोज हो गया है। अभी हम ये लिड लगा देते हैं, इसको भी लगाने के लिए बेसिकली ऐसा है पुश करना है। तो ये मैंने पुश किया और ये प्लेस हो गया है, ऐसे खट करके आवाज़ आएगी, मतलब हो गया है, ये देख लीजिए। और ये अभी मैं बैटरी इसमें डाल देता हूँ और इसको हम टेस्ट कर लेंगे। बैटरी डालने के पहले स्क्रू डालना भूल गया मैं, तो स्क्रू भी लगा देते हैं। ये स्क्रू लग गया है और ये मैंने बैटरी लगा दी और ये लिड कवर कर दिया। अब हम हमारे कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसको यूज़ करके। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा माउस है और ये मैंने ऑन कर दिया है और अभी मैंने मेरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर दिया। ये एक्सटर्नल USB मैंने लगाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ऊपर। और ये मेरा माउस मैंने कनेक्ट किया और ये प्रॉपरली मूव तो हो रहा है, हालाँकि इतना स्मूथ नहीं है जस्ट बिकॉज मैंने माउस पैड नहीं रखा है नीचे। बट मैं अभी 2-3 बार रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, लेफ़्ट एंड राइट बटन ट्राई कर रहा हूँ तो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा होता अगर मैंने इसके नीचे माउस पैड रखा होता, और मेरा आदत भी छूट गया है छोटे माउस से यूज़ करना, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब मैंने नया माउस लिया था वो यूज़ कर रहा था। तो आपको मैं अभी कुछ फाइल्स खोल के दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है और फास्ट भी रिस्पॉन्स कर रहा है अभी। तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और मैं आपको एक काम करता हूँ, वॉलपेपर एक्चुअली ये कलर का है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, वॉलपेपर चेंज कर लेते, थोड़ा डार्क वाला रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको दिखे। ये देखिए, ये डार्क वाला वॉलपेपर रखने के बाद तो मेरा प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा कि माउस वर्क कर रहा है प्रॉपरली, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इतना ही था इस वाली वीडियो में, होप करता हूँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं मेरे एंड से ट्राई करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और लाइक एंड सब्सक्राइब दबा दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मे बी किसी और को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।